वर्ष 2020 आम्हा सर्वांसाठी खूप कठीण वर्ष होते, मात्र अशा परिस्थितीत सुद्धा मेक्झियन्सने नीट आणि JEE परीक्षेत यश मिळवून आपली यशाची परंपरा कायम ठेवली. मेरा नाम आयुष राजेश राठी है और मैं नीट में 639 स्कोर किया है. आयुष बद्दल सांगायचं झालं तर याचा फॅमिली बॅकग्राऊंड हा बिझनेसचा आहे, पण तरी सुद्धा अतिशय गॉड गिफ्टेड असा हा आयुष राठी, एक प्राऊड मेक्झियन म्हणून मला त्याचं खूप कौतुक आहे. JEE मेडिकल कॉलेज मुंबई येथे त्याची ॲडमिशन झाली आहे. त्याच्या पुढील वाटचालीस मिक्स क्लासेसतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. और मिक्स में मैं जॉइन हुआ मेरे भाई के रिकमेंडेशन पे. कुणाल चांडक जो एक क्लास मुझसे सीनियर था और मिक्स में पढ़ता था, उसने मुझे रिकमेंड किया. सबसे इम्पोर्टेंट तो रहता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए किसी भी चीज़ में, तो वो तो टीचर्स ही करा सकते हैं. तो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए, उससे बाद में रिवाइज करना पढ़ना और ईजी हो जाता है. तो देशपांडे सर और जोत सर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है इसमें. जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, उनके जो टीचिंग मेथड्स है, उससे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो गए थे, उसकी वजह से पढ़ना और ईजी हो जाता है. जोत सर बायो पढ़ाते थे और बिल्कुल ऐसे बुक से नहीं पढ़ाते थे, मतलब पहले सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब समझा देते थे, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स में बुक का हर एक लाइन ऑलमोस्ट कवर हो जाती थी, कुछ भी नहीं छूटता था. तो बाद में जब हम बुक पढ़ते थे NCERT, तो बिल्कुल कुछ ऐसा डाउट नहीं आता था उसमें. सब ऐसा लगता था कि क्लास में पढ़ा हुआ है अच्छे से. देशपांडे सर जिस तरीके से हर बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को बोलते थे फिजिकल के, तो वो कई बार प्रैक्टिस किए, वो बहुत हेल्प हुआ. फिर सर बोलते थे कि ऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ो, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ो, तो मैंने बार बार NCERT पढ़ी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था. और कुछ भी नहीं किया उसके लिए. बेस्ट थिंग वॉज कि वो हर स्टूडेंट को पुश करते उनका बेस्ट करने के लिए, हर स्टूडेंट पे फोकस करते. डर सिर्फ वो बच्चों का माइंडसेट रहता है पहले से, वैसे इतना कुछ उसमें डिफ़िकल्ट रहता नहीं है. अगर क्लास में ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रखेंगे, तो उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता. सब्जेक्ट्स में काफ़ी ईजी रहता. टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते थे, हर वैरायटी के रहते थे, उससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था. और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की वजह से रिविजन काफ़ी ईजीली हो जाती थी. अब सिलेबस कम्प्लीट हो गया था, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए पढ़ने से सब अच्छे से रिवाइज हो जाता था, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी. तो जब बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं क्योंकि वो स्कोर करने लगते हैं, फिर वो रिवाइज़ करना कम कर देते हैं धीरे धीरे, फिर उनका स्कोर डाउन हो जाता है. लेकिन ये रिविजन बिल्कुल कंटिन्यूसली करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो स्टॉप हो गई तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है पूरा. अगर वो स्टूडेंट क्लास में डाउट्स पूछेगा तो बिल्कुल सर उसके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो इंडिविजुअल भी फोकस हो ही जाता है उस तरीके से. बेस्ट थिंग अबाउट मिक्स इज द वे दे सपोर्ट द स्टूडेंट्स. दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स विच एवर डिफिकल्टी दे फेस, एंड देयर अप्रोच इज really good, and the way they conduct tests and all, और continuously test ले लेके हर एक को और ज़्यादा पढ़ने के लिए motivate भी करते हैं, और हर student पे personal attention pay करते हैं, जो उसकी growth के लिए काफ़ी ज़्यादा helpful होता है. मम्मी पापा तो पहले से believe करते ही थे कि मैं capable हूँ इसका, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं किया या बहुत बोला नहीं, बस बिलीव किया मुझे. मेरा नाम राजेश रमेश चंद्र जी राठी, और आयुष की पढ़ाई तो एक काफ़ी अच्छी करता था, एक 10-12 घंटे चलती थी, लेकिन एक बस एंटरटेनमेंट करते हुए करता था पढ़ाई, यानी ऐसा कोई स्ट्रेस या पढ़ाई मतलब टेंशन लेके नहीं करता. मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है सर लोगों का, कोऑपरेट काफ़ी रहा समय समय पे, और आयुष को जहाँ तकलीफ गई तो सर लोगों से उसने सॉल्व भी किया, यानी सर लोगों का अच्छा फॉलोअप रहा है इसके पीछे कि कहीं अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो हमसे पूछ लो. और सर लोगों ने काफ़ी बार फ़ोन करके भी पूछा है कि किस प्रकार यानी पढ़ाई चल रही है या कहीं उसको तकलीफ जा रही है तो हमसे पूछ लो, और आयुष ने भी फ़ोन कर करके सॉल्व किया है. वो क्या पढ़ाई कर रहा है, वो स्कूल से लेके अभी तक के खुद की जवाबदारी अच्छी तरह से पार करता है. हमने कभी भी पन्ना पलट के नहीं बोले उसको कि भाई इस प्रकार देख तू कर, कभी नहीं. यानी स्कूल में भी रहा, हंसते खेलते उसके यानी कंप्लेंट्स भी रही, लेकिन सेकंड टॉपर रहा वहाँ पर भी, स्कूल में भी अनुमति में 94% थे. और अभी तो हमने तो कभी पढ़ाई का उसको कभी बोलना ही नहीं पड़ता, उसकी वो खुद जवाबदारी अच्छी तरह से कर लेता. हमारे फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर बना नहीं है और आयुष बन रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड करती हूँ उस पर. बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है. जैसा बच्चा जो करता है ना, उसको बिल्कुल जो करना है उसमें बेस्ट दे, कोई भी सब्जेक्ट में जाओ. मैं तो यही बोलूँगा, मैंने इसी को भी आयुष को भी यही बोला कि जो भी करना है कुछ भी करो, हर बिजनेस में हर सब्जेक्ट में स्कोप है, सिर्फ करना चाहिए, तुम अच्छे से अच्छा दो उसको,
तो उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसने करना चाहिए। मैं तो हर पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि गलती से भी अपन नहीं बोलना, जिसमें उसको इंटरेस्ट हो करने दो। प्राउड टू बी अ मिक्सियन। मिक्सचे हे यश म्हणजे विद्यार्थ्यांचे यश आहे, टीचर्सचे यश आहे, पालकांचे यश आहे आणि सोबतच 25 वर्षाच्या अनुभवासह मिक्सच्या एज्युकेशन सिस्टमचे हे यश आहे। मिक्स फॉर 11th 12th नीट JEE अँड फाउंडेशन।